child pulls a rope attached to a stone with a force of 60 newton and एक रस्सी जो है वो फो एंगल कितना बना रही है 40 डिग्री टू द ग्राउंड. तो बताओ अफेक्टिव वैल्यू ऑफ पुल, पुल का मतलब फोर्स टेंडिंग टू मूव द स्टोन अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है, और लिफ्ट द फोन जो स्टोन वर्टिकली अपवर्ड कितनी लग रही है, वाई एक्सिस में कितनी लग रही है. जैसे एक बच्चा वो टॉय से खेलते हैं ना, वो स्ट्रिंग खींचता है तो टॉय आगे भी आता है और थोड़ा सा ऊपर भी उड़ जाता है, तो एक फोर्स उसको आगे खींच रही है और एक फोर्स उसको ऊपर भी लेके जा रही है, सेम है. तो कंपोनेंट निकाल दो, 60 इंटू कॉस ऑफ 40 हॉरिजॉन्टल फोर्स है और 60 इंटू साइन ऑफ 40 वर्टिकल फोर्स है, दो आंसर आ गए. कॉस 40 साइन 40 की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है और ऐसे पेपर में आती भी नहीं है, आएगा तो 30 या 45 डिग्री या 60 डिग्री ऐसी आएगा जिसकी वैल्यू आपको मालूम होगी, नहीं होगी तो यहीं तक छोड़ देना, बातें खत्म हो गई, आएंगी नहीं वैल्यू, नहीं आएगी पॉइंट. लेकिन समझ में आया कि निकालना क्या है इसमें. अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करना कैसे करेंगे. नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है, टू बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल. हाँ, तो फ्लैट टेबल है, वन हैज़ अ वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड वी वाई रूट थ्री, उसे कंपोनेंट दे दिए. अब बॉल टेबल पे हॉरिजॉन्टल मूव करती है, ध्यान से हॉरिजॉन्टल मूव करती है. मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल की फोटो खींची और आपको ऐसे दिखा दी, ये टॉप व्यू है टेबल का, बॉल ये देखो ऐसे जा रही है टेबल के ऊपर. तो ये ना सोचे कि बॉल उछल के जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही, टेबल पे फ्लैट ही जा रही है बस, क्योंकि बोर्ड ऐसा है तो टॉप व्यू दिखाना पड़ा. आपको दो कंपोनेंट्स गिवन है, एक कंपोनेंट वी एक्स गिवन है तो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट गिवन है और एक वाई के लॉन्ग कंपोनेंट गिवन है रूट थ्री, सही है. तो ये बताओ कितने एंगल पर बॉल को फेंका गया, उसके लिए रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ड्रॉ करें. नेट वेलोसिटी, चलो मेरा पहला क्वेश्चन पूछा नहीं, अगर मैं पूछ लूँ फर्स्ट बॉल की नेट वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी नेट टोटल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड. क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ ये पाइथागोरस लगाओ, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या ये पॉइंट क्लियर है. चलो पूछा नहीं अलग बात है, कितने एंगल पर बॉल गई होगी, थीटा वन, तो ये टैन थीटा वन इसमें क्या है, रूट थ्री बाई वन, तो एंगल क्या आ गया 60 डिग्री. पहली बॉल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक. ऐसी दूसरी बॉल को फेंका गया, चेक करो एट एन एंगल ऑफ कितना, 45. क्यों, क्योंकि जो दूसरी बॉल है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट कितना है, 1 एंड 1. 1 और 1 का मतलब इसका एंगल क्या बनेगा, थीटा 2. टेन थीटा 2 क्या होगा, 1/1, यानी कि थीटा 2 क्या होगा, 45. तो एक बॉल को फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60, उसी जगह पे एक को फेंका जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 45, तो दो बॉल्स के बीच में एंगल क्या बनेगा, 60 में से 45 गया 15. आंसर इज 15. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे काम आ रहे हैं समझ में आ रहा है. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की एक जबरदस्त एप्लीकेशन ये है, बस ये तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो प्लस टू तक चलने ही चलने हैं. क्वेश्चन पढ़ लें.
ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एट अ पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है 100√2 डाइंस नॉर्थ ईस्ट, उसी पॉइंट पर 980√2 नॉर्थ वेस्ट, उसी पॉइंट पर 1960 डाइंस अलोंग साउथ। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो इसमें ये ऐसे बनाना है, साथ साथ बनाओ। ये डायग्राम ऐसा बनेगा, सबसे पहले जो एक फोर्स है ये रही, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है, ये जो वैल्यू है 100√2 डाइंस अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये पहली फोर्स है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ना नॉर्थ ना ईस्ट, बीच में 45 डिग्री पे। दूसरा वेक्टर नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ एंड वेस्ट, फिर से एट एन एंगल ऑफ 45, और इसकी जो वैल्यू है वो है 980√2। तीसरा वेक्टर कहाँ पर है, साउथ, इसकी वैल्यू कितनी है 1960। आपको इस पॉइंट पर नेट फोर्स निकालनी है कितनी लगेगी बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ फैक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। ओरिजिन पे है ये सारा, मतलब ये बॉडी जिसके ऊपर फोर्स एड कर रही है ये, इसी के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। अब एक तरीका कोई कहता है जी ठीक है नेट फोर्स निकालनी है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। लगा सकते हो, इन दोनों पे पैरेललोग्राम लगा के नेट रिजल्टेंट आएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने मना किया, उसने कहा बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का ऑफ वेक्टर का मतलब एक वेक्टर को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। चलो ब्रेक करें, बताओ ये 100√2 है, इसका एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग आएगा, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 100√2 कॉस ऑफ 45 और इसकी 100√2 साइन ऑफ 45। क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो वेलोसिटी इसके कंपोनेंट आ गए कॉस के साथ, 45 डिग्री के साथ कॉस नहीं तो साइन। उसी तरीके से फिर से निकालते हैं, इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है। चलो वैल्यू देखते हैं, वैल्यू में 980√2 कॉस ऑफ 45 और 980√2 इंटू साइन ऑफ 45। कोई डाउट इसमें? तो पहले ये डायग्राम बना लें, तो पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। यहां तक कोई डाउट? आप कहेंगे सर इसको नहीं ब्रेक करेंगे ना, जब जो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है उसको ब्रेक करते हैं एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग। ये तो ऑलरेडी वाई के अलोंग है, अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता तो तोड़ते, जो कंपोनेंट ऑलरेडी एक्स में ऑलरेडी वाई में उसको नहीं तोड़ना। क्या ये स्टेप क्लियर है? आपका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो ये बनना चाहिए, क्योंकि आपने दो वेक्टर के कंपोनेंट तो तोड़ दिए, तो ये चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि जब मैंने अपना काम कंपोनेंट से कर ही लिया तो ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया। ऐसी इसके भी मैंने दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हुए हैं, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। तो बिल्कुल साफ डायग्राम बन गया, हर कोई वेक्टर या तो एक्स में है या फिर वाई में है। आपका अगला डायग्राम क्या बनेगा पहले देख लो फिर बना लेना। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, 1/√2 √2 कैंसल, 1/√2 √2 कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो आपके पास क्या बचता है, ये रहा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज बचती हैं जो मैं दिखा रहा हूं, ये लो। अब आपके पास ऐसी पेंसिल तो है नहीं कि आपका डायग्राम छोटा हो जाए, आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, बनाओ और सॉल्व करो। आपके पास कोई पेन थोड़ी ना है, इसकी बात तो कुछ बचा ही नहीं। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, जो ऑपोजिट है सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट वेक्टर निकाल दो।
इसके बाद एक काम करो, ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रही हैं फोर्सेस, इनको ऐड करके एक वेक्टर आ गया, ये दोनों ऑपोजिट हैं सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर आ गया, फिर पहले वाई को सॉल्व करो एक्स को सॉल्व करो फिर देखो नया डायग्राम क्या बनेगा, फिर करते हैं। मतलब कि एक बात बताओ, ये 980 ये 100 है ना, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा मेरे हिसाब से, इसमें ये दोनों ऐड कर दो तो क्या आएगा इस तरफ 1080 टाइम्स आ गया, और नीचे कितने 1960। अब ये दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और क्या आएगा 880 कहाँ लेफ्ट 880, ये बड़ा है ये छोटा है, क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है। और लास्ट इसमें लास्ट में ये करना है 1080 1960, दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो माइनस, तो नीचे की तरफ वेक्टर आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी 880, इसमें से माइनस करो 880 और लेफ्ट की तरफ तो ऑलरेडी 880 है। क्या ये स्टेप क्लियर है आखिरी यहाँ तक? वाई को सॉल्व कर या एक्स को सॉल्व करके सिर्फ एक्स और वाई में फोर्सेस बच गई, बस कोई डाउट इसमें? अब लास्ट स्टेप है, बोलो इन्हें ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कि क्या करें? रिजल्टेंट निकाल लें, क्योंकि दो वेक्टर अब कॉमन सेंस से होगा नहीं ना, वन अगर ऑपोजिट है तो माइनस कर दो, सेम है तो प्लस कर दो, अब ये तो ऑपोजिट और सेम तो है नहीं, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो तो नेट वेक्टर ये रहा। बोलो आंसर क्या आएगा? 880 का स्क्वायर प्लस 880 का स्क्वायर, फाइनल आंसर रूट 2 इंटू 880 टाइम्स इज द आंसर। मेथड समझ में आया कि नेट फोर्स कैसे निकला एंड में? ठीक है यहां तक? वही है ये, क्योंकि अच्छा वो लगाना है एंगल क्या 90 अंडर रूट ऑफ 880 स्क्वायर 2 इंटू 880 इंटू 880 इंटू कॉस ऑफ 90 विच इज 0, सीधा ही पास होकर उसके बाद हो, ठीक है। ये देखो ये किया हुआ मैंने इसमें, तो ये 880 तो ये वैल्यू आ गई ये रहा। अब क्योंकि आपने नेट फोर्स निकाल ली, फोर्स तो वेक्टर है डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, इमेजिन कर लो ये फोर्स ने एंगल क्या बनाया वाई के साथ बीटा, टैन बीटा क्या होगा 880 बाई 880, ये भी 880 कितना आएगा 1, तो बीटा 45 डिग्री, तो लिख देना 45 डिग्री पे एंगल बनेगा ये बीटा और वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट ऐसे। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो एक तो बचे हुए क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम आपने ट्राई करने हैं 15 शीट के। इसके बाद जो आप देख रहे हैं शीट वो अगले लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी मतलब एक ही लेक्चर में सारी शीट तैयार हो जाएंगी करने के लिए, इतना काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे कोई शीट तो वो शीट नंबर 19 फिर भी ट्राई कर सकता है, 19 शीट फिर भी ट्राई हो सकती है, वैसे तो मैं करवाऊँगा पर फिर भी कोई करना चाहे एज अ होमवर्क तो 19 शीट को ट्राई कर सकता है।